औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उस्ताद आबिद और वेलकम टू मैथ क्लास सेकंड ईयर। मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन बताओ, कल हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, चैप्टर कौन सा था? ठीक है, चैप्टर थर्ड। ऐसे इंटीग्रेशन, यस। कल आर्टिकल क्या पढ़ा था? इंटीग्रेट बाय यूजिंग सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस, यही था क्वेश्चन किए। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्वेश्चंस किए। आज अल्लाह के फजल से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स कोशिश करेंगे कि आज ये जो एक्सरसाइज है 3.3 ये हमारी कंप्लीट हो जाए। आर्टिकल था बाय यूजिंग यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। कल लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसके दो पार्ट्स किए थे। होमवर्क भी दिया था आपको कि हर क्वेश्चन दो दो दफा कीजिएगा। होप सो, अल्लाह ताला से उम्मीद है, आप लोगों से तवक्को है कि आप लोग जो असाइन किया जाए, होम टास्क दिया जाए, जितनी दफ़ा कहा जाए वो लाजमन किया करें, ताकि अकेडमीज ट्यूशंस से जो है आपको निजात मिले, कहीं टेंशन ना हो। इसलिए कोशिश करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपके सामने किया जाए। तो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी, मुश्किल है, टिपिकल है, मुश्किल नहीं है, टिपिकल है, तो इसलिए कोशिश होती है कि हर क्वेश्चन को टच किया जा सके। आज क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल एक्स ओवर 1 + x² / 3/2। सोल्यूशन में हमने एज इट इज लिखा, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल एक्स ओवर 1 + x² / 3/2 होल में। तो पुट एक्स ओवर 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हमने लिया, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस टेन थीटा में परपेंडिकुलर हुआ है जी एक्स, बेस है मेरे पास ही। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, शायद आपको टेढ़ी लग रही है और मुझे यहाँ से दुरुस्त लग रही है। सो परपेंडिकुलर है जी एक्स, बेस है जी मेरे पास 1, यानी एक्स ओवर 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। और जब इस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दिस इज डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरीवेटिव सीकेंट स्केयर थीटा, डिफरेंशियल थीटा पुटिंग करें। सो दिस इज 1/1 + दिस इज एक्स स्केयर, एक्स स्केयर को रिप्लेस किया टेन स्केयर थीटा के साथ, होल है जी 3/2। दिस इज डिफरेंशियल एक्स, सो डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा, डिफरेंशियल थीटा। इंटीग्रल ऑफ 1/1 + टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा, होल 3/2, दिस इज सीकेंट स्केयर थीटा, डिफरेंशियल थीटा एज इट इज। बात समझ गए हो? हमने इस 1 + x² को, x को हमने इक्वल लिया टेन थीटा के। हम जानते हैं कि टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सो परपेंडिकुलर x है, बेस आपके पास 1 है। सो x इज इक्वल टू टेन थीटा, जब डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशियल x इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा, डिफरेंशियल थीटा। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की, डिफरेंशियल एक्स 1 + x² दैट इज टेन स्केयर थीटा होल 3/2, दिस इज डिफरेंशियल एक्स, डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू सेकेंड थीटा स्केयर थीटा, डिफरेंशियल थीटा। फर्दर देखें, 1 + tan² θ इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा होल 3/2, दिस इज सेकेंड स्केयर थीटा, डिफरेंशियल थीटा। पार से बेटा पार मल्टीप्लाइड होके कैंसिल, तो 1/sec³θ, दिस इज सेकेंड स्केयर थीटा, डिफरेंशियल थीटा। अब यहाँ पे सीकेंट स्केयर थीटा क्यूब से जो है वो कैंसिल हुआ, तो 1/sec³θ डिफरेंशियल थीटा। वी विल नो दैट कि 1/sec³θ इज इक्वल टू कॉस थीटा, डिफरेंशियल थीटा। हम ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है जी, दैट इज साइन थीटा प्लस सी, दिस इज साइन थीटा। According to this diagram, sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse,
तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है जी एक्स, हाइपोटेन्यूज है जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग यूजफुल सब्स्टिट्यूशन से. कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9. सेम इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. अब थोड़ा सा आसान हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू टेन इनवर्स एक्स डिफरेंशियल एक्स. मैंने जनाब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रेज टू माइनस 1 ओवर टेन इनवर्स एक्स डिफरेंशियल एक्स इंटीग्रल. किसी को इतराज हो? होना भी नहीं चाहिए. अब ये होल में पावर माइनस वन है तो उसको मैं राइट कर रहा हूं जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रल डिफरेंशियल एक्स. लिख सकता हूं ऑफ कोर्स. अब यहां पे देखें फॉर्मूला बना जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो. हम जानते हैं कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. सो ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो फॉर्मूला क्या है? लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो बच्चों कंडीशंस बन गई, दिस इज लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स है जी टेन इनवर्स एक्स, दिस इज प्लस सी. क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ. बात समझ आ रही है? आनी भी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11 आपने एज इट इज करना है. मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी? इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा और 1 प्लस कॉस के थीटा डिफरेंशियल थीटा. इसमें मैंने कॉस थीटा को लेट किया जी इक्वल टी के. डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डिफरेंशियल थीटा डिफरेंशियल टी. माइनस साइन को शिफ्ट किया तो साइन थीटा डिफरेंशियल थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी यानी डिफरेंशियल टी. आप सब्स्टिट्यूट कर दें इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा ओवर वन प्लस कॉस के थीटा डिफरेंशियल थीटा की जगह पे साइन थीटा एज इट इज, सॉरी साइन थीटा डिफरेंशियल थीटा ओवर वन प्लस कॉस के थीटा एज इट इज. यहां देखें साइन थीटा डिफरेंशियल थीटा इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशियल टी, तो ये चीज माइनस डिफरेंशियल टी बनी ओवर वन प्लस कॉस के थीटा. वन प्लस कॉस थीटा हमने लिया टी के इक्वल, सो ये बना जी वन प्लस टी स्क्वायर. टेकिंग माइनस आउट इंटीग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर डिफरेंशियल टी. हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू टेन इनवर्स टी प्लस सी कॉन्स्टेंट माइनस एज इट इज. सो माइनस टेन इनवर्स दिस इज टी, टी हमने लिया था कॉस थीटा के, सो टी रिप्लेस हुआ कॉस थीटा प्लस सी. सो ये भी बच्चों हमने फाइंड आउट कर लिया. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फंक्शन जो है आपके पास आसान हो गए. तो एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो स्टेटमेंट होगी कि बाय यूजिंग यूजफुल सब्स्टिट्यूशन से. क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल एक्स ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट. कोई यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ऊपर x नहीं है कि हम पावर ला बनाए. सो फिर क्या करें? इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं. डिफरेंशियल एक्स ओवर 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 ऐड भी किया 9 सब्ट्रैक्ट भी किया. जो 9 ऐड किया 9 प्लस 7 बिकम 16, माइनस टेकिंग कॉमन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल एक्स ओवर 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर फॉर्म बनी, दिस इज एज इट इज होल स्क्वायर रूट. सो इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल एक्स ओवर 16 जो है वो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स. फॉर्मूला हमने यूज किया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी.
ये फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, दिस इज साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। एक्स है आपके पास एक्स प्लस थ्री, ओवर ए है आपके पास फोर, प्लस सी कांस्टेंट एज इट इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा अख्ताम को पहुंचा। 15 एज इट इज आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स, बहुत ही आसान, बहुत सा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से अच्छा क्वेश्चन है। इनटू लॉग नेचुरल साइन एक्स ओवर साइन एक्स डिफरेंशियल एक्स सॉल्यूशन, इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स लॉग नेचुरल साइन एक्स ओवर साइन एक्स डिफरेंशियल एक्स, इंटीग्रल ऑफ लॉग नेचुरल साइन एक्स, इसको पहले राइट किया कॉज एक्स ओवर साइन एक्स सेपरेट राइट किया डिफरेंशियल एक्स। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ लॉग नेचुरल साइन एक्स कॉज ओवर साइन इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब यहां पे फॉर्मूला बन रहा है जी, देखें फंक्शन एक्स है जी लॉग नेचुरल साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव करते हैं तो लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, फर्दर का डेरिवेटिव, सो लॉग नेचुरल साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन एक्स, फर्दर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। मेन के फंक्शन भी मौजूद हैं, उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, फंक्शन मौजूद हो डेरिवेटिव भी मौजूद हो यानी पावर लॉ में, तो फिर फंक्शन में पावर में एक ऐड कर दिया जाता है नीचे भी उसी तरह से। सो लॉग नेचुरल साइन एक्स होल टू ओवर टू प्लस सी, 1 ओवर टू लॉग नेचुरल साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। सो ये हमारे पास क्या बना जी, रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो गोया यहां पे भी हमारे पास वही पावर लॉ यूज किया जा रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, 18, 19 जो है वो आपने करने हैं, सेल्फ असाइनमेंट्स हैं आपके पास, नोट्स मौजूद हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। दिस इज इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर रूट। अब ऊपर भी आपके पास एक्स मौजूद है लेकिन ये एक्स प्लस टू है, ये एक्स प्लस थ्री स्क्वायर रूट है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरीवेटिव नहीं है। जब ऊपर डेरिवेटिव ना हो तो फिर क्या करें, इस x प्लस टू को ये नीचे वाला जो फंक्शन x प्लस थ्री है ये चीज बनाएं, इंटीग्रल ऑफ x प्लस टू 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस थ्री डिफरेंशियल x किया। इसका क्या फायदा मिला, x प्लस टू प्लस 1 3, तो x प्लस थ्री ओवर x प्लस थ्री होल स्क्वायर रूट डिफरेंशियल x, ये माइनस 1 ओवर एक्स के रूट प्लस 3 डिफरेंशियल एक्स, उनका सेपरेट कर दिया डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रल्स। अब हम यहां पे एक फॉर्मूला जानते हैं पावर लॉ में कि a ओवर a स्क्वायर रूट ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर रूट, x प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 तो ऑलवेज इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर रूट, इंटीग्रल एज इट इज डिफरेंशियल x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, तो पावर लॉ बनाया एक्स प्लस थ्री रेस टू माइनस 1 ओवर 2 डिफरेंशियल एक्स, उसको पावर लॉ में लिखा तो 1 ओवर 2, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव 1 भी मौजूद है, एक्स प्लस थ्री होल माइनस 1 ओवर 2, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद है। तो पावर लॉ में क्या करते हैं जी, इंटीग्रल में कि पावर एक ऐड कर दी जाती है, नीचे भी पावर में 1 ऐड कर दिया जाता है, सो x प्लस थ्री होल रेस टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस x प्लस थ्री रेस टू माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट, दिस इज x प्लस थ्री होल 3 बाई 2 ओवर 3 बाई 2 माइनस x प्लस थ्री होल 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2, इस 3 बाई 2 को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा तो 2 ओवर 3 इंटू x प्लस थ्री होल 3 बाई 2 माइनस 2 इंटू x प्लस थ्री होल 1 ओवर 2 प्लस सी एज इट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 या 22 वो भी मेरी कोशिश थी कि मैं करता, लेकिन सपोज यहाँ तक हम टाइम ख़त्म करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 तक एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। कोशिश करें हर क्वेश्चन एटलीस्ट दो दफ़ा करें, तीन दफ़ा करें, एक एक दफ़ा बेशक देख देख के करें, फिर एक दफ़ा ज़बानी करें।
आज अल्लाह के फजल से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले जो थ्योरी है वो आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आर्टिकल समझने में भी आसानी हो। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।